नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। मौसम विभाग की भविष्यवाणी एक बार फिर सच साबित हुई है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में दो दिन और बारिश का अनुमान लगाया था और आज झमाझम बरसे मेघा आम लोगों और किसानों के लिए वरदान साबित हुए हैं। लोगों को बारिश से जहां उमस से छुटकारा मिला है, वहीं धान की फसल की रोपाई कर रहे किसानों के चेहरे भी अब खिल उठे हैं। फसल को उचित मात्रा में पानी मिलने से किसान वर्ग की उम्मीदें बढ़ गई हैं। जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में बीती रात से ही आसमान पर बादलों ने डेरा जमा लिया था और सुबह होते होते बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। ऊपरी इलाकों में हुई बारिश से जम्मू में तवी नदी का जलस्तर भी एकदम से बढ़ गया। कुल मिलाकर सभी लोग इस मौसम का लुत्फ उठाते दिखे, हालांकि बारिश में बाहर निकलने में भी उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बेसिकली इसमें जो किसान है उसको बहुत फ़ायदा है और आने वाला जो पानी का सतर वो नीचे चला गया है। बारिश का बहुत ही महत्व है और ये और होनी चाहिए, ये इसका कोई नुकसान नहीं है। तो ऐसे बारिश लगी है, लोग दो चार में दिन में दुखी हो जाते हैं। बारिश का बहुत ही फायदे हैं। देखा जाए तो अगर आम जनता की बात करें तो बारिश का मौसम तो एक सुहाना मौसम ही रहता है और इस गर्मी के प्रकोप से अगर बच रहे हैं तो बारिश की वजह से ही बचते हैं, क्योंकि आपने भी देखा होगा बारिश बंद हुई तो तापमान अपने आप बढ़ता जाता है। तो नेचुरली ये अगर देखें प्रकृति का एक बहुत अच्छा है, लगातार दो तीन दिन से तो लगातार बारिश होती जा रही है। किसानों की बात करें तो उनके लिए तो ये वाकई मतलब घी शक्कर की तरह हो गया, तो यही समय है जब वो कुछ काम कर सके अपने खेतों पे। हाँ, लगे लोगों की तरफ उनको थोड़ी सी तकलीफ तो जरूर रहती है। अगर हम स्वच्छता की बात करें, कभी कभी क्या होता है नाले भी यहाँ बारिश की वजह से निकलते जाते हैं, साफ होते जाते हैं। हाँ, आम जनता को थोड़ी दिक्कत जरूर रहती है, काम में थोड़ा सा परेशानी जरूर रहती है, ये तो है ही है। ये कुदरत का नजारा है, इसको एंजॉय करना चाहिए। तो एक सृष्टि है जो बनी हुई है, बारिश भी है, धूप भी है, सब है, और आज वाकई में रेनी डे है और ये तो सबसे ब्लेसिंग्स है हम सबके लिए। बारिश का मौसम, जब उमस के से लोगों को छुटकारा मिला है थोड़ा सा, बहुत बड़ी उमस थी और आज के बारिश से किसानों को भी फायदा होता है और तरह तरह की सब्जियां वगैरह जो नए फील्ड में लगाई जाएंगी। और इस मौसम का लोग बरसे, कई महीनों से इंतजार कर रहे थे, बारिश जम्मू में बरसे और उमस से छुटकारा मिले। बिश्नाह के गांव भटियाड़ी में बरसात का पानी आज लोगों के घरों में घुस गया। ग्रामीणों की शिकायत के बाद तहसीलदार सोहनलाल राणा और डीडीसी सदस्य धर्मेंद्र कुमार ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पानी की निकासी के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की, वहीं प्रशासन ने लोगों को इस परेशानी का जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। गांव जो है, हम पटियाड़ी करते हैं, हम पटियाड़ी हमारा गांव है, तो हमको सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम देख रहे हैं। तो हमारा जो फैसला है हमारा आज ही आज हम चाहिए, हम डीसी साहब से भी यही कहते हैं, हम सरपंच साहब से भी और मतलब कि सबसे यही मैं इनको कहना चाहते हैं हम कि जल्दी से जल्दी हमारा आज ही से हमारा फैसला जो आज ही हल हो रहा है। हाँ, हमारे को बहुत परेशानी है, अगर हमारा मकान अगर गिर जाएगा तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। गाँव में बारिश के दिनों में ऐसा तो प्रॉब्लम आ रही है, इसके लेन ड्रेन का ये प्रॉपर प्लान बने और इसका ड्रेनेज प्रॉपर आने वाली सिचुएशन को अगर कंडीशन देखें तो प्लान में रखा जाए और प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बने तो तभी ये इसकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अदरवाइज तो एफिशिएंटली जो मकान बन रहे हैं कहीं कहीं 10-12 या अपनी मर्जी से उस सिस्टम को ख़राब हुआ है, क्योंकि हमारा ड्रेनेज का जो सिस्टम है वो खासकर मैं कह रहा हूँ नहीं कि वो हम अच्छे तरीके से नहीं बना रहे हैं। हमें जहाँ एक फुट छोड़ना, मुझे लगता है कि हमें 1.5 फुट छोड़ देना चाहिए। हमारी नालियाँ अच्छी रहेंगी तो पानी अच्छी तरह से जल्दी खाली हो जाता है और जल्दी वो है जो कहते हैं सफाई हो जाती है।
जम्मू कश्मीर में बिगड़े मौसम के मिजाज का असर एक बार फिर कश्मीर की लाइफलाइन कहे जाने वाले जम्मू श्रीनगर हाईवे पर पड़ा है। भारी बारिश के कारण जिला रामबन के अधीन आने वाले मेहाड़ व कुछ अन्य इलाकों में पस्तियां गिरने से हाईवे फिर से ब्लॉक हो गया है। पिछले दिनों हुई बारिश के कारण हाईवे की मरम्मत अभी तक पूरी भी नहीं हो पाई थी कि वहां एक बार फिर से मलबे व पत्थरों आदि के अंबार लग गए हैं। दूसरी ओर हाईवे बंद होने का असर दोबारा श्री अमरनाथ जी की यात्रा पर पड़ा है। जम्मू से आज बालटाल आधार शिविर के लिए रवाना हुए श्रद्धालुओं को जहां चंद्रकोट में रोक गया, वहीं पहलगाम मार्ग से रवाना होने वाली गाड़ियों को उधमपुर जिले के टीकरी इलाके से वापस जम्मू भेज दिया गया। इन शिव भक्तों को अब हाईवे खुलने की सूरत में ही कश्मीर के लिए रवाना किया जाएगा। उधर हाईवे बंद होने से कश्मीर घाटी जाने वाले ट्रकों को जम्मू के नगरोटा व उधमपुर में रोक दिया गया है। अमरनाथ यात्रा लगातार दूसरे दिन बाधित होने से शिव भक्तों के चेहरे मुरझा गए हैं। हालांकि देश के कोने कोने से आए इन अमरनाथ श्रद्धालुओं में उत्साह भी की कोई कमी नहीं देखी जा रही है। जम्मू के आधार शिविर पर शिव भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है और जम्मू श्रीनगर हाईवे खुलने का इंतजार कर बाबा बर्फानी के दरबार में पहुंचने की राह देख रहे हैं। आधार शिविर लगातार बम बम भोले के जयकारों से गूंज रहा है। वापस आ गई है, इस समय बहुत खराब लग रहा है क्योंकि हम परसों के आए हुए हैं। मैं तो बोले तो हम 21 तारीख के यहाँ आए हुए हैं। 21 तारीख को बोला गया था कि कल यात्रा नहीं जाएगी, उसके बाद में फिर 22 तारीख को यात्रा जाएगी। कल यात्रा गई थी आज सुबह, उसके बाद में आगे ले करके 40 फोर ले जा करके बोल दिया यात्रा नहीं जा पा रही है, आगे सिलेक्ट हो गया है। अब कल भी नहीं मालूम है कल यात्रा जा पाएगी नहीं जा पाएगी। संतोष जनक कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। आए थे 21 तारीख को यहाँ आ गए थे और 3 दिन से रुके हुए हैं, जो यात्रा कैंसिल हो रही है और जो बहुत मतलब बुरा लग रहा है हम लोगों को कि 3 दिन रुकने के बाद बाबा के दर्शन प्राप्त नहीं हुए हैं। कोई कमी नहीं थी, भीड़ अधिक होने के कारण थोड़ा सा देखने बैठने में थोड़ा सा दिक्कत थी, लेकिन साफ सफाई बहुत ही अच्छा, पूरी व्यवस्था अच्छी थी। और यहाँ पे जो प्रशासन की व्यवस्था है, व्यवस्थाएं हैं सबसे बेस्ट लगी। आर्मी की जो व्यवस्थाएं हैं उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। तो इसके लिए तो बड़ा खेद है क्योंकि बड़ी उम्मीद लेके 2 साल से यात्रा बंद थी, जैसे तैसे बड़ी मुश्किल में यात्रा चालू हुई। 3 दिन से यहाँ हम लोग रुके हुए थे राम मंदिर पुरानी मंडी में, वहाँ बाबा जी की बड़ी कृपा थी कि हम लोग श्रद्धालु जनों को खाना पीना रहना सब फ्री व्यवस्था थी। इस महीने यानी 29 जुलाई से शुरू होने जा रही श्री बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा के मद्देनजर पुंछ प्रशासन ने कमर कस ली है। जिले की सब डिवीजन मेंढर के एसडीएम ने आज विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों और हिंदू संगठनों के साथ बैठक कर यात्रा के लिए की जाने वाली तैयारियों पर मंथन किया। एसडीएम ने इन विभागों के अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय करते हुए उन्हें यात्रा के सुचारू संचालन व श्रद्धालुओं की सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए। एसडीएम ने बताया कि कुछ व्यवस्थाओं के लिए सेना ने भी बात की गई है और प्रशासन की ये पूरी कोशिश रहेगी कि यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। अगस्त से स्टार्ट होती है, सॉरी 29 जुलाई से 11 अगस्त तक, तो इसी सिलसिले में हमने एक मीटिंग बुलाई थी जितने भी हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, एसेंशियल सर्विसेज वाले और यहाँ ट्रस्ट के बंदे, इन सब के साथ हमारी मीटिंग हुई। जितने अरेंजमेंट वहाँ पे करने थे वो डिस्कस किए गए और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कंसर्न डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स को सौंपी गई, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन लेवल तक जो अरेंजमेंट करने थे तो इस तरह स्ट्रिक्ट एक्शन दी गए डिपार्टमेंट्स को कि ये अरेंजमेंट जो है इन प्लेस रखे जाएँ, किसी किस्म का भी अनटूवर्ड इंसिडेंट जो है वो ना हो, हमारी यात्रा जो है वो कामयाब तरीके से चले। वहाँ पे खासकर एक लंगर की जो स्पेस है उसको लेके डिस्कशन हमारे आर्मी के साथ भी 2 दिन पहले मीटिंग हो चुकी है। हमारे वहाँ टॉयलेट फैसिलिटी, वाटर फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी लेके है, सफाई को लेके ये सारी मसले जो है वो डिस्कस कर दिए गए और अरेंजमेंट इनफैक्ट इन प्लेस कर दिए गए हैं, तो फर्दर उनमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है और ताकि तैयार रहने की ज़रूरत है, किसी भी किस्म की जो खिलबली जो है ना वहाँ पे बने और हमारी यात्रा जो है बिल्कुल पूरा अमन और बिल्कुल स्मूथ तरीके से चले।
पुंछ शहर में जगह जगह अवैध रूप से पार्क की गई गाड़ियों और दो पहिया वाहनों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने आज बड़ी मुहिम चलाई। ट्रैफिक पुलिस के अमले ने कई गाड़ियों को जब्त कर लिया और कई गाड़ियों के चालान भी काटे। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक सड़कों के किनारे लगे गाड़ियों के इस जमावड़े के कारण आम लोगों व यात्रियों का पैदल चलना भी दूभर हो रहा है। ऐसी गाड़ियों के मालिकों के खिलाफ आज डंडा चलाया गया है, लिहाजा भविष्य में वो अपनी गाड़ियां पार्किंग में लगाएं और लोगों की आवाजाही में बाधा न बने। मुझे काफ़ी दिनों से शिकायत आ रही थी कि लोग यहाँ पे गाड़ियाँ लगा के चले जाते हैं, खासकर मोटरसाइकिल्स लगा के चले जाते हैं और पूरा पूरा दिन नहीं आते। तो यहाँ जब हम आए तो हमने देखा, मैं पूरी टीम यहाँ लेके आया, मैंने यहाँ देखा कि बहुत सारे मोटरसाइकिल्स लगे हैं और इवन के पैसेंजर्स के चलने की भी जगह नहीं है। तो आज वो सारे मोटरसाइकिल्स मैंने यहाँ से सीज़ किए हैं और वो थ्रू लोड कैरियर इनको हमने DPL पहुँचाया। जो हॉस्पिटल रोड में गाड़ियाँ जो भी थी, जो रॉन्ग पार्क्ड थी, वो हमने उठा ली हैं और चलानिंग भी दे रहे हैं और ये पूरा दिन आज यही मुहिम चलती रहेगी। देखिए, मेरी ये लोगों से अपील है कि अगर ये ऐसा करेंगे, यहाँ जो अभी ये बना हुआ था झमेला, प्लीज़ ऐसा मत करें। यहाँ पे पार्किंग्स बहुत हैं, आप अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाएं, कहीं ऐसी जगह लगाएं जहाँ पे लोगों को चलने के लिए दिक्कत ना हो। यहाँ पे तो लोग चल नहीं सकते, इसलिए मेरे आप सब के प्रेस के माध्यम से मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ जब भी गाड़ी लगाएं तो पार्किंग में लगाएं। बगैर पार्किंग के कोई गाड़ी भी ऐसे मिलेगी तो वो गाड़ी उठा दी जाएगी। डोगरा सदर सभा की कार्यकारिणी कमेटी की आज बैठक हुई, जिसकी अगुवाई डोगरा सदर सभा के प्रधान गुलचैन सिंह चाड़क ने करते हुए जम्मू की प्राचीन धरोहरों को लेकर चर्चा की। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए सभा के प्रधान गुलचैन सिंह चाड़क ने सरकार पर डोगरा शासकों की धरोहरों की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि डोगरा शासकों की धरोहरों की हालत खस्ता है और उनका अस्तित्व मिटने की कगार पर है। उन्होंने उपराज्यपाल से इन धरोहरों को बचाने की अपील की। दो चार चीज़ों के बारे में चिंता दिखाई गई, एक तो हेरिटेज के बारे में, चाहे वो मुबारक मंडी हो और चाहे वो बाकी इसके साथ कनेक्टेड जगह हो, कि बहुत बुरी हालत उनकी हो रही है, उनको संभालने की ज़रूरत है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हमने फिर अपील की है कि आज इस बारिश से जो तबाही हो रही है, ये इसकी किस तरीके से कोई हम ठीक कर सकेंगे, कुछ समय लग रहे आने वाले वक्त में, इसको संभालिए। पूरी मुबारक मंडी की छतें खोल दी गई हैं और दीवारों के अंदर पानी जा रहा है, दीवारें गिर रही हैं और वहाँ जो काम भी हो रहा है, अनप्लान्ड काम हो रहा है, तो मेहरबानी करके उसकी इन्वेस्टिगेशन भी कराएं, क्या हुआ, क्या होने जा रहा है। 100 करोड़ रुपया यहाँ जो लैप्स हो चुका है उसके बारे में वह चिंता आपने दिखाई है वर्किंग कमेटी के सारे आदरणीय मेम्बर्स ने। जम्मू नगर निगम ने जम्मू कश्मीर के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिस मेहर चंद महाजन को श्रद्धांजलि देते हुए जम्मू में उनकी प्रतिमा स्थापित की है। जस्टिस मेहर चंद चौक में लगी इस प्रतिमा का अनावरण जम्मू नगर निगम के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता और डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा ने किया। इस अवसर पर पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता सहित महाजन सभा के अध्यक्ष रमेश गुप्ता भी मौजूद थे। माध्यम से और सब महाजन सभा और हमारे सभी साथियों के प्रयास से आज हम जस्टिस मेयर चंद महाजन जी का जो स्टैचू है उसको जनता को समर्पित कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसी विभूतियों का, जिन्होंने जम्मू कश्मीर की एकता और अखंडता के लिए अपना सर्वस्व नौशाबर किया और वह मीरपुर से रहने वाले थे, अपने आप में एक बड़ी शख्सियत थे, हम उनको श्रद्धांजलि भी देते हैं। महाराजा हरि सिंह के जन्मदिवस पर सरकारी अवकाश की मांग का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। इस मांग को लेकर पिछले कुछ सालों से आंदोलन कर रही युवा राजपूत सभा ने आज एक बार फिर जम्मू में तवी पुल के नजदीक स्थापित महाराजा के प्रतिमा स्थल पर प्रदर्शन करते हुए तवी पुल जाम कर दिया। पुल जाम होने की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन भी हरकत में आया, जिसके बाद जम्मू के DC मिंगा पेरपा पुलिस अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और युवा राजपूत सभा को इस मांग को जल्द ही सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन देकर पुल से धरना हटाया। उधर युवा राजपूत सभा ने सरकार को 15 अगस्त तक की मोहलत देते हुए चेतावनी दी कि यदि अब तक सरकार अवकाश की घोषणा ना की गई तो स्वतंत्रता दिवस पर इसी प्रतिमा स्थल ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी जाएगी।
युवा राजपूत सभा सारे जम्मू के लोग ही जम्मू के डोगरे ही राजनीतिक पार्टियां सारे लोग आखना चाहती है कि 15 अगस्त वाला दिन अगर 15 अगस्त धोड़ी ये गौरमेंट कोई छुट्टी नहीं दिंदी है क्योंकि इंदे को टाइमिंग नहीं है जम्मू के लोगों की गल सुनने आई तो मजबूर हो 15 अगस्त जिथे तुम बैठे दे इतने युवा राजपूत सभा का टेंट लगो तो युवा राजपूत सभा की भुख हड़ताल जी 15 अगस्त को शुरू हो जो छुट्टी हो 15 अगस्त धोड़ी अज एडीसी साहब एसपी साहब के आखने उपर अज जो अज का धरना वो बंद करा रहे हैं लेकिन इस गौरमेंट एजी साहब भी आखा कि व्यापार मंडल को बंद करो जालटियां शराबी व्यापारी है इंदे को अगर फुरसत मिले तो जम्मू के डोगरे जी जम्मू के डोगरे की महाराजा के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है महाराजा हरि सिंह की छुट्टी की मैं ये रूलिंग पार्टी के लोगों भी आखों कि तुम तो जो 75 का खाब लै दो ओदे वास्ते महाराजा की छुट्टी बड़ी जरूरी है नहीं तो ऐसा नहीं है 7-5 गए रोन 75 वाला जोड़ के खत्म हो गया एदे कोलो जल्दी कोलो जल्दी तो फैसला लाओ देखिए जो डिमांड है उनकी जो जो बेसिकली हमारे जो ये प्रेसिडेंट साहब है जो चेयरमैन साहब है जो युवा राजपूत सभा की है उनकी हमने बात सुनी है उन्होंने पहले भी हायर अथॉरिटीज को जो इन्फॉर्मेशन दी है तो हायर अथॉरिटीज ने उनको वही कहा है कि इसके बारे में सरकार संज्ञान लिया है और इसमें सरकार आगे करेगी तो हम उनको आज यही आश्वस्त करने आए थे कि जो उनकी डिमांड्स हैं वो एकदम जो भी है हम सरकार तक पहुंचाएंगे पहली भी सरकार को इन्होंने बताई है तो इसकी वही है कि उन्होंने हमें कहा है कि इसको जल्दी जल्द हम इसको ट्राई करेंगे कि जो भी इसका सलूशन हो सके वो जल्दी आ जाए तो मैंने आज इनको वही कहा है कि जो इनके इनको वही रिक्वेस्ट किया था एसपी साहब के साथ कि एटलीस्ट जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम है क्योंकि ब्रिज का जगह है रिस्की जगह है कोई भी घटना हो सकती है तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी बातें मांगी और आज ब्रिज से इन्होंने जो धरना था कम कर दिया नहीं इन्होंने कह रखा है हम इसको जल्दी जल्द आज ही जाके इसकी जो इशू है हम उसको रेज करेंगे सो दैट कि जितनी जल्दी हो सके इसकी जवाब हमारे इनको दे पाए। पीएम पैकेज के तहत कश्मीर घाटी में तैनात किए गए आरक्षित वर्ग के मुलाजिमों का आंदोलन अभी भी जारी है। सुरक्षित जगहों पर ट्रांसफर करने की मांग को लेकर पिछले करीब 2 महीनों से आंदोलन कर रहे इन मुलाजिमों ने जम्मू में जहां आज बारिश के बीच प्रदर्शन कर उपराज्यपाल द्वारा उन्हें दिए गए आश्वासन को अमलीजामा पहनाने की मांग की। वहीं आरएसपुरा में इन मुलाजिमों के एक शिष्टमंडल ने पूर्व मंत्री व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल चौधरी से मुलाकात कर उन्हें इस मांग के संबंध में सरकार के नाम एक ज्ञापन सौंपा। सर तकरीबन हमें यहाँ पर 2 महीने जो है अब होने वाले हैं तो गवर्नर साहब ने जो है अश्योरेंस हमसे किया था कि बहुत जल्द जो है आपकी सूटेबल कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो बना दी जाएगी लेकिन सर अभी जो है आपने देखा कि 50 दिनों से ऊपर होने जा रहे हैं और जो है अभी तक जो है हमें गवर्नमेंट ने अभी तक हमें कोई भी रिस्पॉन्स वहां से नहीं दिया है। हम फिर गवर्नमेंट को ये जो है कहना चाहते हैं कि अलजी साहब आपने जो वादा किया था मेहरबानी करके वक्त आ गया है तो उसको निभाइएगा। जनरल कैटेगरी के जितने बच्चे हमारे कश्मीर प्रोविंस में लगे हुए हैं वो जैसे उन्होंने बताया हम धरने पर बैठे हैं और उनकी एक डिमांड है कि हमें आने वाले समय में हमारी कोई पॉलिसी बननी चाहिए कि कब हम अपने होम डिस्ट्रिक्ट में आ सकते हैं। हमारे पास में काफ़ी बच्चे आए थे और उन बच्चों के साथ काफ़ी डिस्कशन भी हुई और उन्होंने जो मेमोरेंडम भी हमें दिया है हम उनकी बात अपनी पार्टी हेडक्वार्टर में अपने उनसे बात करेंगे तो क्या उनका कुछ हो सकता है वो पॉलिसी उनकी डिमांड है बात तो सही है तो उनको ये तो पता लग रहा है कि हम 5 साल के बाद 10 साल के बाद 15 साल के बाद कब कहीं बाहर से हमारी कोई ट्रांसफर पॉलिसी बने तो हम अपने डिस्ट्रिक्ट में आ सके और आज उनकी प्रॉब्लम को जनरलाइज जिस तरह रजनी जो टीचर थी वहाँ लगी उसकी किलिंग हुई और आज टारगेट किलिंग हो रही है उससे वो बच्चे जितने भी खड़े हुए हैं और हम भी चाहते हैं कि उनकी सबसे पहले लाइफ जो सेव होनी चाहिए और उनको सेव जगह कहीं लगाया जाए और हमारे अभी की सरकार से भी उन्होंने भी कोशिश की है कि उनको सेफर जोन में रखा है और आगे इनकी जो पॉलिसी की बात उन्होंने की है उनको हम आगे अपनी पार्टी हेडक्वार्टर में। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया वकीलों से छीने जाने और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को हाईकोर्ट परिसर में स्थापित न किए जाने के विरोध में वकीलों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। जम्मू हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के बैनर तले वकीलों ने आज शनिवार को हाईकोर्ट में अवकाश के बावजूद कोर्ट परिसर में धरना देकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया।
जितना ऑर्गेनाइजेशन हमारे यहाँ अवेलेबल है वहाँ कोई फिजिकल हीरिंग नहीं हो रही, वहाँ कोई मेंबर्स नहीं है, एक मेंबर ऑनलाइन अवेलेबल कभी कभी बीच में होते हैं जिनके पास आप पिटीशन कर सकते हैं। इस लोगों के साथ मैं ये समझता हूँ इनजस्टिस होता जा रहा है, बेइंसाफी होती जा रही है, हमारी ड्यूटी है हम इंश्योर करें कि लोगों के साथ इंसाफ हो, लोगों के साथ जस्टिस हो। हम डिमांड करते हैं कि रजिस्ट्रेशन वर्क इस कोर्ट प्रेमिसेस में आना चाहिए, यहाँ पे आप नया एक कॉम्प्लेक्स बनाइए, मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स, जिसमें सारी की सारी कोर्ट्स जो हैं वो आराम से आप एडजस्ट कर सकते हैं, वो लोकेट हो सकती हैं। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के मिनिमम 5 बेंच होने चाहिए, जैसे अभी ये कह रहे थे जलीमेरिया साहब कह रहे थे कि हमारे पास हमारा इतना ज़्यादा काम है, लोगों के 20-30 साल से सर्विस मैटर्स कोर्टों में अटके हुए हैं, उनका डिस्पोजल तभी होगा अगर इसकी स्ट्रेंथ जो है ट्रिब्यूनल की बढ़ जाएगी और नंबर ऑफ बेंचेस मिनिमम 5 होंगे जम्मू में। पिछले महीने आतंकियों से लोहा लेते शहीद हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल मुदस्सिर अहमद शेख की याद में बारामूला में आज एक क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत हुई। भारतीय सेना की 52 राष्ट्रीय राइफल्स द्वारा आयोजित इस क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन का मकसद युवाओं का रुझान खेलों की तरफ बढ़ाना है, जिसका उद्घाटन आज बारामूला के SSP रईस भट्ट व शहीद के परिजनों की मौजूदगी में किया गया। ये क्रिकेट टूर्नामेंट कश्मीर के 10 जिलों में आयोजित हो रहा है, जिसका फाइनल मुकाबला अगस्त महीने के पहले हफ्ते में खेला जाएगा। हम जहाँ तक ये उम्मीद करते हैं कि हम कहीं पे भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि हमारा कोई ऐसा जो साथी है वो ऐसी जगह पे पहुँचे जहाँ पे उसके लिए हमें ऐसा कोई टूर्नामेंट उसकी याद में करना पड़े, बट हमारा काम ऐसा है और इसमें ऐसे जो सैक्रिफाइसेस हैं हमें आए दिन देने पड़ते हैं और मुझे लगता है कि ये हमारी खुशनसीबी होगी कि हम उनको किसी न किसी तरीके से याद कर रख पाएँ। तो असली नाम शायद ही कोई जानता था उसको, सब लोग इसी लकब से जानते थे और इसी एक टाइटल जो था जो उसको दिया गया था कि एक बिंदास आदमी है, एक मस्त आदमी है, हमेशा खुश रहता है, हंसता रहता है और जैसा कि मैं कई बार कह चुका हूँ कि उसकी आंखों में एक अलग चमक थी जिसकी वजह से हमें लगता था कि वो उसका एक एटीट्यूड इतना पॉजिटिव था लाइफ को लेके कि जहाँ पे हमें अक्सर कंप्लेंट आती थी कि नाके पे किसी ने बदतमीजी की कुछ किया, लेकिन उसके प्रति हमेशा ये एक पॉजिटिव लोगों का फीडबैक भी था, वो लोगों से मिलता भी था, हंसता खिलता भी था और अपनी ड्यूटी में वो बिल्कुल 100% 110% देता था। तो ये एक बड़ी यूनिक क्वालिटी है जो हम चाहते हैं कि हमारे सारे जवान, हमारे सारे अफसर, हम खुद इस चीज़ को समझें, सीखें और अपने अंदर लागू कर पाएँ। तो अपने तमाम बरादरी के लोगों की तरफ से 52 RR के CO साहब का, इनके GOC साहब का, इनके दीगर जो अफसर साहिबान हैं उनका और अपने SSP साहब जिला बारामूला बहादुर का कि जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और मैं इस चीज़ को फख्र करता हूँ कि जिस तरह से मेरे बच्चे ने अपने वतन के लिए, अपनी रियासत के लिए, अपने रियासत के लोगों के लिए जान कुर्बान की, तो उसने एक हमारे हिंदुस्तान में एक मिसाल बना दी। तो मैं बाकी तमाम यूथ के बच्चों से भी यही रिक्वेस्ट करता हूं कि जिस तरह से उसने किया, जिस तरह से उसका हिसाब किताब था, तमाम बच्चों में यही जज्बा होना चाहिए। सिलेक्शन लिस्ट जारी करने की मांग को लेकर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट पदों के अभ्यर्थियों का आज 10वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। भारी बारिश में इन अभ्यर्थियों ने आज अपने अभिभावकों के साथ सिलेक्शन लिस्ट जारी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे इन अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि पिछले 10 दिनों से वो अपने मांग को लेकर सड़कों पर हैं और इस दौरान उनके कई साथी बीमार होकर अस्पताल भी पहुंच चुके हैं, लेकिन सरकार उनकी कोई सुध नहीं ले रही है। वहीं इन अभ्यर्थियों के अभिभावकों का आरोप था कि कड़ी मेहनत करने के बाद उनके बच्चों ने परीक्षा को पास किया था, लेकिन सरकार सिलेक्शन लिस्ट जारी ना करके उनके बच्चों के साथ अन्याय कर रही है। बावजूद भी 370 और 35 की मंसूबी चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।